हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल गणेश किचन में। आज हम गणेश किचन में बनाने जा रहे हैं सूजी का उपमा, जो कि बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको हम रवा उपमा भी कहते हैं। आपका जब भी कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी लेंगे और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसके अंदर हम 1/3 कप सूजी डालेंगे। यहाँ पे हमें मोटी वाली सूजी लेनी है, क्योंकि मोटी वाली सूजी से हमारा उपमा दानेदार बनेगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। अब हमें सूजी को लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हमारी सूजी भूनकर हल्की ब्राउन नहीं हो जाती। सूजी को भूनते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारे को गैस को बिल्कुल मंदी ही रखना है, क्योंकि मंदी मंदी आँच में ये बराबर तरीके से अच्छे से भुन जाएगी। अगर गैस तेज होगी तो ये ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और अच्छे से नहीं सिक पाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे को सूजी को भूनते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी सूजी हल्की से ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। ऐसे ही इसको हम लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और भूनेंगे। सूजी को भूनते हुए 1 से 2 मिनट और हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी सूजी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और सूजी को एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर 3 चम्मच देसी घी के डालेंगे और उसको अच्छे से गर्म करेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। घी के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच मूंगफली डालेंगे। यहाँ पे हमने कच्ची मूंगफली ली है, जिसको हम सिंगदाना भी कहते हैं। हमें यहाँ पे लगातार चलाते हुए मूंगफली को तब तक भूनना है जब तक ये मूंगफली हल्की ब्राउन नहीं हो जाती। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूंगफली बीच में से चटकना शुरू हो चुकी है और ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर 8 से 10 काजू डालेंगे और उसको भी हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ध्यान रहे, हमारे को यहाँ पे गैस बिल्कुल मंदी रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजू हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। अब इसको हम जल्दी से कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच काली सरसों के डालेंगे और उसको अच्छे से चटकने देंगे। ये अगर जरा से भी कच्ची रह गई तो इससे हमारे उपमा का स्वाद खराब हो सकता है। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल डालेंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे। यहाँ पे हमारे को गैस बिल्कुल मंदी रखनी है, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी से जल जाएगी। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच उबली हुई मटर डालेंगे और 1 गाजर को बारीक बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही भुनेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सब्जियां आधी पक जाएंगी और फिर हमारे इसके अंदर क्रंचीनेस भी बनी रहेगी और हमारी सब्जियां कच्ची भी नहीं रहेंगी। हमें सब्जियों को चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम करी पत्ता डालेंगे और उसको भी अच्छे से चलाएंगे, ताकि इसका स्वाद हमारी सब्जियों के अंदर बिल्कुल अच्छे से आ जाए। दोस्तों, सब्जियों को भूनते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट और हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को ऐसे ही लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे, ताकि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रहे, हमारे को यहाँ पे प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, जिससे उसकी मिठास हमारे उपमा में आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगेगी। हमें प्याज को भी भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 4 कप पानी डालेंगे। हमें उसी कप से पानी डालना है जिस कप से नापकर हमने सूजी ली थी। अगर आप इस रेसिपी को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका उपमा बिना किसी गलती के बिल्कुल टेस्टी बनेगा। यहाँ पे हम 1/3 कप सूजी से उपमा 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। आपके घर में जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप सूजी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। पानी डालने के बाद हमारे को पानी को थोड़ा सा गर्म होने देना है। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, या आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी गर्म होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम भुनी हुई सूजी डालेंगे और फिर इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। हमको यहाँ पे सूजी को तब तक पकाना है जब तक ये फूल कर अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। जैसे हम हलवा बनाते हैं सूजी का, उसी तरीके से हमारे को इसको पकाते हुए अच्छे से गाढ़ा करना है। अब इसके अंदर हम भुनी हुई मूंगफली और काजू डालेंगे और फिर इन सबको अच्छे से चलाएंगे। इस स्टेज पे मूंगफली और काजू डालने से हमारे मूंगफली और काजू थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जो कि खाने में और भी ज़्यादा स्वाद हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूजी फूलकर गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फिर इन सबको अच्छे से चलाएंगे।
अब इसको भूनते हुए हमें 1 से 2 मिनट और हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उपमा बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। हमारा उपमा परोसने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी खटास चाहते हैं तो आप इसके अंदर आधा नींबू निचोड़ कर डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। है ना बिल्कुल आसान रेसिपी, जो कि सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसे टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं टेस्टी इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।